पिक्चर लास्ट माइक्रो नीडलिंग की और अब जो मैंने माइक्रो नीडलिंग की है उससे पहले की है। लास्ट मैंने एक माइक्रो नीडलिंग एप्लीकेशन किया था डमो पेंट टूल्स के साथ, उसकी फर्स्ट सेटिंग मैंने खुद से डन की थी। और ये जो स्कार्स थे मैंने बताए थे, लास्ट 3 to 6 मंथ से मेरी सिस्टर को कंटिन्यू एक्ने आ रहे थे। उस एक्ने को खत्म होने के बाद अभी कुछ कुछ एक्ने अभी भी उनकी स्किन में आ रहे हैं, लेकिन बहुत माइल्ड स्कारिंग हुई है। अगर हम लोग अभी टाइम पे इस स्कारिंग को ट्रीट नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्कार हो सकता है और शायद फिर ये इजिली रिमूव भी ना हो। तो घर पर मैंने इन दिनों में माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट शुरू किया है। इस ट्रीटमेंट के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी सेटिंग में पूरा डन करने के बाद इनकी स्किन में मुझे उस लेवल पे रिजल्ट्स दिख पाए हैं। यहाँ पर स्किन में जो थोड़ा सा रेड निशान हो रहा है वो एक्चुअल में जब मैंने इसको सेट किया था एमएम पे तो स्किन पे करके देखा था, उसकी वजह से रेडिश निशान है, ये एक्ने का निशान नहीं है। अभी भी फेस के ऊपर कुछ एक्ने हैं, लेकिन जिन जिन जगह पे स्कार्स है और एक्ने नहीं है हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन वहीं करेंगे। एक चीज़ और है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, 0.5 mm के एप्लीकेशन से उनको ब्लड निकलने लगता है। मेरे फेस के ऊपर अगर मैं 1 mm 1.5 mm का एप्लीकेशन भी करती हूँ तो मुझे ब्लडिंग बहुत रेयरली होती है, वरना मुझे ब्लड नहीं आता है फेस के ऊपर। लेकिन इनको बहुत कम mm में ही स्किन में थोड़ा सा ब्लड आने लगता है, बहुत जल्दी इनका एप्लीकेशन डन हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है या इतनी जल्दी उसमें आपको रिजल्ट दिखने लगता है, रेडिश होने लग रहा है, तो प्लीज़ एप्लीकेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना है। तो लास्ट हम लोगों ने 10 दिन पहले एक सिटिंग की थी वेनसडे को, और अब भी मैंने की है संडे को, तो ये पूरा 10 days हो गया है। 0.5 mm था तो आप 10 days में रिपीट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा mm होता तो मैं 15 to 20 days में ही 1 sitting कंप्लीट करती। फर्स्ट सिटिंग के बाद मैंने इनकी स्किन में, इनको खुद को लगता है कि इनकी स्किन में इंप्रूवमेंट है, और आई थिंक आपको फर्स्ट इमेजेस को देखकर भी थोड़ा सा स्किन में डिफरेंस नजर आया होगा, थोड़ा सा स्पॉट्स भी माइल्ड हुए हैं। लेकिन अगर आपके स्कार्स डीप हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और आप ये सोचते हैं इस तरीके से पहली सेटिंग में आपको रिजल्ट्स मिलेगा तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मुझे अभी इनकी 3 to 6 month कंटिन्यू सेटिंग करनी होगी, उसके बाद मैं इन स्कार्स को और ये जो मार्क्स हैं इनको पूरी तरीके से हील कर पाऊंगी। मैंने यहाँ पर आज भी टॉपलप जेल यूज़ की है, साथ में मैंने हाइलुरोनिक एसिड का जो जेल था वो यूज़ किया है। टॉपलप जेल मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इनको पेन टॉलरेट नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने टॉपलप जेल यूज़ किया है। जब उसको 20 मिनट रहने दिया है, जब लगा कि स्किन में हाँ सुन हो चुकी है स्किन, तो यहाँ पर फिर उसके ऊपर मैंने बहुत पतली सी कोट हाइलुरोनिक एसिड की यूज़ की है ताकि अच्छे से ईजिली स्प्रेड हो सके। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत कम देर में, यानी कि मैंने सिर्फ 3 to 4 मिनट के अंदर अंदर ही ये एक फेस को कवर कर लिया था। जहाँ जहाँ पर स्कार्स हैं आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्पॉट्स है तो आप उस एरिया को भी कवर कर सकते हैं। तो ये जो था, यहाँ पर कुछ जगह पे आप लोग को एक्ने नज़र आ रहे होंगे, तो इन एक्ने को मैंने साइड करके, मतलब इनके साइड से निकाला है। एक्ने को मैंने इरिटेट नहीं किया, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। अगर आपकी पूरी स्किन के ऊपर एक्ने हैं तो प्लीज़ फेस के ऊपर नहीं करना है जब तक एक्ने पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाए। इनके फेस के ऊपर 1-2 ही एक्ने थे इसलिए मैंने ये सेटिंग डन की है। यहाँ पर मेरा हाथ बहुत अच्छे से चल रहा है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है क्योंकि मेरी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप लोग माइक्रो नीडलिंग करने जा रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, कम एमएम से ही स्टार्ट करें, और ये आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेशर पॉइंट है वो कितना है, आपकी स्किन टॉलरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। ब्लड आने का वेट नहीं करना है कि ब्लड आएगा तो ही रिजल्ट निकल के आएंगे। स्किन पंक्चर हो रही है आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा, जैसे कि इस स्किन में मुझे बहुत जल्दी से पता चल जाता है। एक जगह पे मैं 4 से 5 बार जब स्प्रेड करती हूँ उसके बाद ही यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि माइक्रो नीडलिंग डन हो चुकी है। तो ये जो चिक्स था इसके पूरे स्कार्स मैंने कवर कर लिए हैं। ये स्कार्स बहुत ज़्यादा अभी लेटेस्ट में हैं तो डेफिनेटली इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी निकल कर आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। लेकिन अगर ये थोड़े से पुराने हो चुके होते तो शायद रिजल्ट्स देखने में मुझे भी टाइम लगता और इतना ईजिली इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं निकल कर आते। तो ये जो एक चिक्स था ये लगभग पूरी तरीके से डन हो चुका है। अगर आप फर्स्ट चिक्स के कंपैरिजन में सेकंड चिक देखेंगे तो यहाँ पर एक्ने बहुत ज़्यादा, जब हम लोगों ने लास्ट सेटिंग डन की थी तब फेस के ऊपर इतने एक्ने नहीं थे। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने हैं तो आप अभी डर्मा रूलर, माइक्रो नीडलिंग या ऐप में जो भी यूज़ कर रहे हैं टूल्स के अंदर, तीनों में से कोई भी टूल अपनी स्किन के ऊपर यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप अपने एक्ने को इरिटेट करेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और ये एक्ने शायद ये बढ़कर सिस्टिक एक्ने में या किसी और एक्ने में कन्वर्ट हो जाए।
एक्ने स्कार्स में अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं और घर में रिजल्ट्स देखने हैं तो कोई होम रेमेडी या कोई सिर्फ क्रीम से आपके एक्ने स्कार्स नहीं जाने वाले हैं। उसके लिए आपको अपनी स्किन पे कोई ऐसा टूल्स यूज़ करने की नीड है जो कि आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट करे और आपकी जो स्किन है वो पंक्चर हो और उसमें कहीं ना कहीं कोई चोट लगे ताकि दोबारा से उसकी रिकवरी हो सके। इसलिए हम लोग यहाँ पे माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं। इस वाले चिक्स पे मैंने बहुत बहुत कम यूज़ किया है, एक्ने को पूरी तरीके से अवॉइड कर कर ही किया है, तो बहुत कम पार्ट था जिसपे मैंने इसको यूज़ किया। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, आपका अपना पर्सनल टूल्स होना चाहिए। डर्मा पेन एक ऐसा है इसमें आप अलग अलग नीडल कार्टेज यूज़ कर सकते हैं। डर्मा पेन सिंगल यूज़ करके अलग अलग नीडल कार्टेज को अलग अलग स्किन पे यूज़ कर सकते हैं अगर घर में किसी और को भी करना है तो। लेकिन और कोई टूल्स आपको एक दूसरे की स्किन पे नहीं यूज़ करना है, वरना आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा माइल्ड स्टिक्स की हुई थी, लेकिन इसकी सेटिंग भी मैंने लगभग डन कर ही ली थी। इसका इस ट्रिक्स का मैंने पूरा वीडियो नहीं लिया था क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था एक्ने है, तो मुझे इस ट्रिक्स को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन इसकी सेटिंग जो थी वो भी बहुत अच्छे से डन हुई। आगे मैं आप लोगों को बताती रहूँगी बैक टू बैक वीडियो ला कर कि इस स्किन में कितना इम्प्रूवमेंट आया, कितना चेंज आया। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा इस बार कि इन लास्ट 3 मंथ के अंदर क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है।